भैया ये बेटियां कभी आप देखना बेटियां कभी भी जमीन जगह तो लगे लड़ाई नहीं करते हैं। भले ही बेटी शादी होकर के अपना ससुर घर में चले जाए, आप लोग देखना वहीं से पिता माता की खबर लेती रहती है। पर पिता माता कैसे, मैंने बहुत सारी जगह पर गया हूँ, घर के जो बेटा का शादी हो गया ना, घर में बहू आ गई, इतने लड़ाई झगड़ा हुई, लास्ट में पिता माता घर से निकाल दिया और लास्ट में जाकर वो बेटी को पास में ही सहारा ली। बेटी की जिंदगी भर उनको बेटी देखभाल करती है, इसलिए घर में बेटा आए और बेटी आए भैया दोनों को बराबर में पालन करो। बल्कि बेटी आई तो अगर बेटी नहीं होगा बताओ ये दुनिया रहेगा? अगर दुनिया में बेटे 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 हो जाए ये दुनिया पर रह सकती क्या? दुनिया नहीं रह सकती है। इसलिए माताओं को स्थान दी गई, लक्ष्मी की स्थान दी गई, माताओं को लक्ष्मी की स्थान दी गई। वशिष्ठ जी ने समझाने के लिए कोशिश की लेकिन राजा ने कहा देखो मेरे बाद में ये सिंहासन को कौन संभालेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ घर में एक बेटा हो। देखो पहले ये ऋषि मुनियों के पास में कितने मंत्र शक्ति थी, ऐसे मंत्र शक्ति थी श्री वशिष्ठ जी ने जो बेटा थी वो बेटा को उन्होंने बेटी बना दिया, उसका नाम हो गया सुदुम्ना। जब सुदुम्ना बड़ा हुआ एक दिन संन्यासामुक्तों के साथ में वो गया जंगल में भ्रमण करने के लिए, और एक जंगल में जब उन्हें भ्रमण करने के लिए गए जितने घोड़ा हो गई घोड़ी, जितने सबके सब सैनिक को हो गई लड़की, और जो राजकुमार था ना ये हो गई राजकुमारी हो गई। सबके सब देखा भैया ये क्या हो गया, ये सबके सब हम लड़की कैसे बन गई और इतने शर्मिंदा में पड़ गई, अभी राज्य में वापस नहीं आ रहा है। फिर राजा को पता चला मेरा जो बेटा फिर बेटी हो गई, फिर गए वशिष्ठ के पास में, बोले गुरु जी ऐसे कैसे हो गया? देखो ध्यान देकर सुनो, बोले ऐसे कैसे हो गया, बोले जो जंगल था ना वो श्री शंकर जी का जंगल। एक दिन शंकर पार्वती आपस में मिल रहे थे और चतुसर श्री शंकर जी को दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब पहुंचे शंकर पार्वती आपस में मिल रहे थे, मैया पार्वती तो बड़ी शर्मिंदा में पड़ गई, भोले बाबा को बोले ये कोई संसार किया है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठा करके आ जाए। शंकर जी ने बोले मैं अभिशाप देता हूँ, आज से ये जंगल में अगर कोई पुरुष व्यक्ति प्रवेश करेगा वो पुरुष नहीं सबके सब स्त्री बन जाएगी। अभी इनको पता नहीं था सबके सब स्त्री बन गए। फिर वशिष्ठ जी भोले बाबा को पास में गए, भोले बाबा ने कहा देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका जो बेटा एक महीना तो बेटा रहेगा और एक महीना बेटी रहेगी, इतना मैं कर सकता हूँ लेकिन पूरा नहीं बदला सकता हूँ। बोले भैया इतना कर दो। जब उसने बेटा था, जब वो बेटा की शादी हुई, शादी से जो बच्चा जन्म लिया, जो बच्चा जन्म लिया उसी बच्चे से ही कहते ये चला ये चंद्रवंश चला जिसमें भगवान कृष्ण आए। जब उसने एक महीना फिर एला लड़की बनी, फिर बुध को साथ में शादी हुई तो उससे जो बच्चा जन्म लिया उससे फिर सूर्य वंश चला, और चंद्रवंश में हमारे जो भगवान कृष्ण ये चंद्रवंश में आए और सूर्य वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए। देखो ठाकुर जी की कैसे अद्भुत माया है, एक व्यक्ति से ही दो वंश चली और दो वंश में ही हमारी जो दो भगवान, भगवान राम और भगवान कृष्ण, ये दोनों ही इसी वंश में हमारे ठाकुर आए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री राम लाला की जय, और श्री कृष्ण कन्हैया की जय। अभी हम लोग कल श्री राम की कथा सुनेंगे, आज हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे। जिस समय से सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा सुनाने जा रहे थे, इतने में उन्होंने ऐसे एक श्लोक को बोला, एक श्लोक में ही संपूर्ण कृष्ण कथा को बोलती है। कृष्ण कैसे मथुरा में नंद भवन कैसे श्री कंस के कारागार में प्रकट हुए, ठाकुर जी कैसे गोकुल में गए और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, अरे जोर से बोलो जय कन्हैया, और कैसे कृष्ण पुतना अघासुर बकासुर को पछाड़े, कैसे गिरिराज उठाए, कैसे रास रचाए, कंस को कैसे उद्धार की, और कैसे उन्होंने मथुरा में आए कंस उद्धार करके द्वारका में शादी की, हर स्त्रियों से